इस वीडियो में हमारे सभी व्यूअर्स के लिए बहुत से सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा दिमाग लगातार हमारी प्रेजेंट रियलिटी का एनालिसिस करता रहता है। हम में से ज्यादातर लोग जो कुछ भी हमारे पास पहले से है उसे ही और अधिक मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे उसे हम चाहते हों या नहीं, क्योंकि आप इंटेंशनली मैनिफेस्टिंग के बारे में अवेयर हो जाते हैं। चीजों को इंटेंशनली मैनिफेस्ट करना विजुलाइजेशन को रियलिटी बनाने की एक डेलिबरेट और कॉन्शियस प्रक्रिया है, जिससे हम अपने डोमिनेंट थॉट पैटर्न को बदलकर जो रिजल्ट या आउटकम्स चाहते हैं उसे क्रिएट करने के लिए अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं। इस दुनिया में और इस यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है। हमारे अस्तित्व को बनाने वाले सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेशन की स्थिति में है। जब आप लव, ग्रैटिट्यूड, जॉय एंड कंपैशन जैसे ब्यूटीफुल इमोशनल स्टेट में होते हैं, तो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हाई स्पीड से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन में हम हाई फ्रिक्वेंसी और अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। जब आप लो फील करते हैं, पेन में, जब आप एंगर, जेलसी और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को महसूस करते हैं, तो आपका वाइब्रेशन बहुत धीमा यानी कि लो हो जाता है। हम ह्यूमंस एनर्जेटिक बीइंग्स हैं और हम लगातार वाइब्रेशंस को एमिट करते हैं। आप वही सब चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप वाइब्रेट या रेडिएट करते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आप अपनी विशेष को तभी अट्रैक्ट करेंगे जब आप अपने जीवन में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके साथ आप एक वाइब्रेशनल मैच बना पाएंगे। आपके एम्बिशंस, ड्रीम्स और डिजायर्स तभी हाई स्पीड से वाइब्रेट करते हैं। इसीलिए इसे मैनिफेस्ट करने के लिए हाई वाइब्रेशनल स्टेट में रहना सीखना, इसे विकसित करना और इसे बनाए रखना सीखना इम्पॉर्टेंट है। सीखने से याद आया, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक, जिसे आप कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। कुकू एफएम, जहाँ पर सिर्फ एक बुक की कीमत में आप ढेरों वर्ल्ड फेमस किताबें हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में सुन सकते हैं। अभी यूज करें दिवाली 50 कूपन कोड और कुकू एफएम के दिवाली सेल पर प्रीमियम एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ और 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट्स जैसे कार, गोल्ड कॉइन, वाउचर्स, इतना कुछ जीतने का मौका। चलिए बनाइए ये दिवाली कामयाबी वाली कुकू एफएम के साथ। यानी आपको देने होंगे एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 399 रुपए की जगह केवल 199 रुपए पूरे एक साल के लिए। वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुकू एफएम ऐप, बनाइए दिवाली कामयाबी वाली। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको मैनिफेस्टिंग के 5 ऐसे बिग डोंट्स बताऊंगा जिसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते वक्त बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। फर्स्ट, खुद को बदले बिना रिजल्ट्स बदलने की कोशिश ना करें। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, आप एक प्रॉब्लम को सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से सॉल्व नहीं कर सकते हैं जिसने इसे क्रिएट किया है। आज अपने जीवन में जो कुछ भी मौजूद है वो अचानक से नहीं आया है, आपने इसे बनाया है, क्रिएट किया है। इसलिए मैनिफेस्टिंग एक रीबर्थ प्रोसेस है। इसको रियलिटी बनाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। मतलब ये उन बिलीव्स, बिहेवियरल पैटर्न और हैबिट्स को छोड़ना है जो अब आपकी सेवा नहीं करते हैं। यदि ओल्ड यू ने आपको वो दुनिया नहीं दी जो आप चाहते थे, तो आपको एक नेवर यू बनना होगा। हालांकि बहुत से लोग स्वयं को बदले बिना अपने एनवायरनमेंट को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये उस तरह से काम नहीं करता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके आसपास कोई दुनिया नहीं है, आपके अंदर एक दुनिया है। इसीलिए अपने भीतर की दुनिया को बदलें और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे आप सच कर देंगे। सेकेंड, आप जो चाहते हैं उसकी एग्जैक्टली बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ना करें। हमेशा कुछ बेहतर के लिए स्पेस अवेलेबल रखिए। जब हम मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं तो सोचते हैं कि हम चीजों को बेटर जानते हैं, और ये बात बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करती है। आपको ऐसी स्टेज पर यूनिवर्स पर भरोसा करने की आवश्यकता है। चीजों को वो आपसे बेहतर जानता है। जब आप केवल दिस और दैट चाहते हैं, ये आपकी आत्मा नहीं बोल रही होती है, ये आपका अहंकार यानी ईगो है। यूनिवर्स इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और लव का एक इनविजिबल क्षेत्र है जो एक जाइंट वेब की तरह हर चीज को जोड़ता है। किसी भी समय और हर मोमेंट ये सब कुछ, सभी वाइब्रेशंस, सभी प्लान्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़ा हुआ है।
तो क्या आपको अभी भी लगता है कि आप बेहतर जानते हैं? थर्ड, अपने वाइब्रेशंस को अनअटेंडेंट ना छोड़ें। हम हर समय चीजें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, सो जब आप मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग या कोई अन्य मैनिफेस्टिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस समय के लिए ब्लिसफुल और एलिवेटेड महसूस करते हैं। लेकिन फिर जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे आप कचरा बाहर फेंकने के लिए जाते हैं और अपने पड़ोसियों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी कार आपके एंट्रेंस गेट पर छोड़ दी जिससे आपका मेन गेट ब्लॉक हो गया, तो ये काम नहीं करेगा। आपको इस चीज का खास ध्यान रखना होगा और माइंडफुल रहने के लिए खुद को ट्रेन करना होगा, खुद को कंपैशनेट करने के लिए भी ट्रेन करना होगा और अपने जॉब के दौरान, स्पेशली वर्क टाइम के दौरान हायर वाइब्रेशन से काम करना होगा। आपको अपने माइंड और हार्ट से इन लोअर वाइब्रेशंस को समाप्त करना होगा। अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को मैनिफेस्टिंग एबिलिटी के साथ मैच करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कुछ ड्रास्टिक चेंजेस लाने होंगे, जैसे जजमेंट को सपोर्ट एंड केयर से बदले, एंगर को एक्सेप्टेंस से, ग्रीड को जेनरोसिटी से और प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रोएक्टिवनेस से, ईगो को निस्वार्थता यानी कि सेल्फलेसनेस से बदलें। इसे अपने जीवन, अपने वैल्यूज और अपने फिलोसॉफी का हिस्सा बनाएं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके वाइब्रेशंस में उतार चढ़ाव हो और ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसे पूरी तरह से अनअटेंडेंट ना छोड़े। इसके बजाय जब आपको लगे कि आप लो वाइब्रेशंस पर काम कर रहे हैं तो इसे नॉर्मलाइज या फिर हायर लेवल पर ले जाने के लिए काम करें। फोर्थ, अपनी मैनिफेस्टिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जाने देना, लेटिंग गो, वो चीज है जिसके साथ बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं। चीजों को जाने देने का मतलब ये नहीं है कि अब आप इसकी इच्छा नहीं रखते हैं या आप इसे बिल्कुल ही छोड़ने वाले हैं। जाने देने का मतलब है कैसे और कब, यानी हाउ और व्हेन। हमें जो छोड़ना है वो है कंट्रोल और अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में स्पेकुलेशंस एंड हर्डल्स। मैं अक्सर सुनता हूं कि मैं 3 हफ्ते से डेली अफर्मेशंस कर रहा हूं लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है या फिर नहीं, या सब हवा हवाई बातें हैं। सबसे पहले मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिए, फिजिकल वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन का लास्ट फेज है। यदि आपको चीजों को जाने देने में कठिनाई होती है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप नीड और लैक की स्थिति में कार्य करते हैं और यही कारण है कि आप इसे इतनी कसकर पकड़े हुए हैं और इसे जाने ही नहीं देना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी कारण से, उदाहरण के लिए लिमिटेड बिलीफ, आपको यूनिवर्स पर भरोसा ना हो या फिर आप बस अपने ईगो के जाल में फंसे हुए हैं, इसीलिए अपनी एनर्जी को वाई एंड हाउ जैसे प्रश्नों में प्रवाहित करने की बजाय उस एनर्जी का उपयोग कुछ वंडरफुल एंड ऑसम काम करने के लिए लगाएं जो आपके स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और आपके स्टेट ऑफ बीइंग को बदलने में मदद करे। एक ऐसी अवस्था जहां आप आउटकम और मैनिफेस्ट करने की प्रक्रिया को एक हायर फोर्स के सामने सरेंडर कर सके ताकि आप उन सिग्नल्स एंड अपॉर्चुनिटीज को ना मिस करें जो यूनिवर्स आपको भेज रहा है। कुकू एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यूज करें दिवाली 50 कूपन कोड और पाएं एनुअल सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ पर और उसके साथ ही 10 लाख रुपए तक के प्राइस, कार और गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका। बनाइए दिवाली कामयाबी वाली।